आज मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपल तरीके से पाइनएप्पल कैसे काटा जाता है। पाइनएप्पल काटने से पहले एक चीज का ध्यान रखें, जहां पे भी आप काटेंगे ना वो नीचे से हिलती डुलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका हाथ ही कट जाएगा। जैसे चॉपिंग बोर्ड के नीचे लगा रहे हैं तो एक कपड़ा लगा दीजिए, उसके बाद देखिए ऊपर वाला पार्ट पहले काटिए पाइनएप्पल का, फिर नीचे वाला पार्ट। पूरा पाइनएप्पल काटने से पहले ये दोनों चीजें सबसे पहले काटी जाएंगी। अभी जो आप देख रहे हैं यह है पाइनएप्पल का नीचे वाला पार्ट, दरअसल ये नीचे वाला नहीं है, यही ऊपर वाला पार्ट। सारे फ्रूट्स के अंदर पहले पेड़ निकलता है, उसके बाद उसका फ्रूट आता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा है, पहले जड़ निकलेगी उसके बाद उसके ऊपर निकलेगा फ्रूट। इन दोनों को पहले इसलिए काटा जाता है ताकि पाइनएप्पल को ना सीधा खड़ा किया जा सके। दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको पाइनएप्पल काटना, दोनों ही सिंपल है। एक तो आप देख रहे हैं पहले इसकी साइड को काट लीजिए, ये तो हो गया प्रोसेस एक, जिसमें आप चारों साइड्स को काट लीजिए फिर पाइनएप्पल को काटिए। इसे काटते समय एक चीज का ध्यान रखें, नाइफ को हल्का सा टिल्ट करके काटिए ताकि ये उबड़ खाबड़ ना जाए, एकदम सीधा कटे। एक तो उस तरीके से काट सकते थे आप, दूसरा क्या है छिलके के साथ ही इसे 1/4 के पीसेस में आपको काटना है। अगर आप उस तरीके से नहीं काट सकते तो ये तरीका भी एकदम सिंपल है आपके लिए। ऊपर और नीचे वाला पार्ट काट के छिलके के साथ 1/4 में काट लिया, ये देखिए अब सीधा सा नाइफ चलाइए, पूरा छिलका निकाल दीजिए। है ना एकदम सिंपल ये भी तरीका। अब आप इसके छोटे छोटे पीसेस करिए अपनी साइज के मुताबिक, फिर लगाइए इसके ऊपर चाट मसाला और सर्व करिए।